नमस्कार, कागतकारी में आपका स्वागत है। मैं हूँ लवीना। कागतकारी के जरिए हम आपको ले चलेंगे भारतीय साहित्य की समृद्ध दुनिया में। आपका परिचय कराएंगे चर्चित साहित्यकारों से और जानेंगे उनके द्वारा गढ़े चरित्रों को, जो हम आप जैसे ही हैं, हमारे प्रिय भी हैं और हमसे कुछ ज्यादा भी। आज हम चर्चा करेंगे विख्यात हिंदी लेखक और कवि श्री हिमांशु जोशी की रचनाओं के बारे में। रचनाओं का पाठ करेंगे जितेंद्र राम प्रकाश और जोशी जी से बात कर रही हैं प्रगति सक्सेना। सचमुच में उसके घोर संकट के दिन थे वे, अग्नि दीक्षा के। जीवन मृत्यु के झूले में झूल रहा था वह। दिल्ली की धूल भरी तपती सड़कों पर बावला सा भटक रहा था। बर्फीली शीतल पहाड़ी धरती से उठकर आया था वह, गर्मी में सिंकते इस जलते भाड़ में, चारों ओर जैसे आग बरस रही हो। एक अनजान अपरिचित महानगर, नहीं नहीं, नीम पागलों की एक अंतहीन बस्ती। आदमी ही आदमी, मकान ही मकान। इन आदमियों और मकानों के मिले जुले जंगल में वो कहीं खो गया था। दिन रात इन भीड़ भरी सड़कों पर भटक कर कहीं वो अपने को ही खोज रहा था। एक बन चरना, दूजे बन चरना, एक बन चरना, दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। न ढंग से सिर छिपाने के लिए ठौर, न दो रोटियों का जुगाड़। स्वयं पराश्रित होने पर भी अपने पराश्रितों का अदृश्य बोझ, कर्तव्यहीनता या पलायन का अपराध बोध, वो कहीं भीतर ही भीतर छटपटा रहा था। इस सब के बावजूद एक प्रकार का गहरा जुनून छाया हुआ था उसमें। जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना, इस घटाटोप अंधियारे में कहीं कुछ अदृश्य उजास की किरणें थी। सवेरे का एक भ्रम कहीं खींचे ले जा रहा था उसे। सवेरा ना हो, केवल रात ही रात हो, ये कैसे हो सकता है? दिन भर का हारा थका, रात को अपने किसी रिश्तेदार के एक कमरे के घर में लौटता तो गहरा अंधियारा उसकी राह देख रहा होता। रिश्तेदार मिल में मजदूर था, अकेला था, अक्सर रात की पाली में बाहर रहता था, इसलिए इस चारपाई भर लंबे कमरे में सांस ले पाना संभव हो पाता था। जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जोशी जी, हमारे श्रोताओं को बताएं कि लेखन के लिए आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? प्रगति जी, प्रेरणा स्रोत तो हर लेखक के अपने अपने होते हैं और अक्सर यह प्रश्न सब जगह पूछा जाता है और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ईमानदारी से इसका विश्लेषण कर पाता होगा।
क्योंकि जीवन में कुछ बातें ऐसी नितांत अपनी होती हैं, वे बाहर के लिए नहीं होती है। जैसे घूंगा गुड़ खाता है उसका स्वाद लेता है, इसी तरह से कुछ भावनाएं हमारी आंतरिक होती हैं, एक आंतरिक संसार होता है और हम उसमें जीते हैं और उसकी जो खूबियां हैं वो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका संबंध हमारे मानवीय संबंधों से भी हो सकता है और जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है घटित हमारे चारों ओर, इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया हमें होती है वो भी हो सकता है। हिमांशु जी पिछले 40 वर्षों से हिंदी साहित्य व पत्रकारिता जगत में सक्रिय रहे हैं। लगभग 29 वर्ष तक ये हिंदी की लोकप्रिय पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान से जुड़े रहे। जोशी जी, एक प्रतिष्ठित पत्रिका से जुड़े रहने का अनुभव कैसा रहा? कोई विशेष स्मृति हो तो बताएं। मूलतः मैं लेखक हूं, मैंने लेखन को ही प्राथमिकता दी, लेकिन पत्रकारिता को मैंने एक मिशन के रूप में लिया। पत्रकारिता की तो फिर वो दोयम दर्जे का मानकर नहीं की, पत्रकारिता पूरी आस्था से, विश्वास से और रुचि के साथ की, उसमें डूब करके काम किया। और इस पत्रकारिता ने समय तो मेरा बहुत लिया, बहुत समय गया, लेकिन मुझे बहुत से अनुभव मिले जी। मैंने बहुत से इतने बड़े व्यापक संसार को निकट से देखा। मैं जब यहाँ आया तो मेरी एक अजीब सी धारणा थी, राजनीति, राजनीतिज्ञ, लेखक, नेता जो लोग भी थे समाज के, उनको निकट से देखा तो एक मेरी सोच को एक नया आयाम मिला। जैसे मुझे ये लगा कि जो राजनीतिज्ञ हमारे भाग्य विधाता हैं, वो किस तरह से आम आदमियों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब ये देखा तो बड़ा दुख हुआ और उससे प्रेरित होकर के मैंने एक उपन्यास लिखा था, समय साक्षी है इन टाइम इज द विटनेस। जो आज आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला साक्षी है। तो इस तरह के अनुभव हुए और एक आघात भी लगा, लेकिन उन आघातों से मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि एक जूझने की, संघर्ष करने की, उनका मुकाबला करने की एक नई ऊर्जा का मुझ में एहसास हुआ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जोशी जी की लगभग 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें उपन्यास, कथा संग्रह, कविताएं व यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। उनकी रचनाओं में पहाड़ों की धूप, बर्फीले मौसम में ठिठुरती शामें और कोहरे में गुम हो जाती पगडंडियां हैं, और साथ ही महानगरीय जीवन का उमस भरा, भीड़ में ठेलता संघर्ष भी। ऐसा ही उनकी आत्मकथात्मक प्रस्तावना कथा तीरे से झलकता भी है, उसी का एक अंश। दिल्ली के एक छोर में बसी अनधिकृत गंदी बस्ती, बित्ते भर का ठौर। अधूखड़ा सा टूटे फट्टे का एक झूलता हुआ दरवाजा, जिसमें धूप, हवा, धूल, धुआं ही नहीं, वर्षा की बौछारों का पानी भी आराम से आर पार हो जाता। जिस दिन रिश्तेदार की रात की ड्यूटी ना होती, रिश्तेदार चारपाई पर सोता और वो चारपाई के पाए के पास पांव सिकोड़े अपने बिस्तर पर पड़ा रात गुजार देता। मौत का एक दिन मुयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ऐसे में कभी बारिश हो जाती, तो सुबह उठने पर लगता जैसे अभी अभी किसी तालाब से उठकर आ रहा हो। इतना सब होने पर भी उसे ये एकांत, ये उमस भरा अंधियारा कमरा बहुत अच्छा लगता, क्योंकि रात को पढ़ने लिखने का कुछ अवसर मिल जाता था यहां। रूखा सूखा कुछ चबाकर हैंडपंप का ढेर सारा ठंडा पानी पीता, चारपाई के नीचे रखे छोटे से रीते गोल ड्रम को खड़ा करता, उसके ऊपर अपना टिन का चौकोर पुराना बक्सा जमा कर मेज का आकार दे देता। बैठने के लिए कुर्सी तो थी नहीं, इसलिए चारपाई की बांस